गरीब पति की पांच पत्नियां। पंकज अपनी माँ कौशल्या के संग हरिपुर गांव की सीमा में रहा करता था। उसके पास एक ठेला था जिसपे वो श्रृंगार का सामान धरकर गांव गांव में बेचा करता था। खटिए पर पड़ी कौशल्या खांसते हुए कहती है, पंकज बेटा, कल तुझे देखने खातिर रिश्ते वाले आएंगे, तुझे याद तो है ना? माँ मेरे ब्याह की जिद आप छोड़ क्यों नहीं देती? अरे किस बेटी का बाप मुझे गरीब से अपनी बेटी को ब्याहना चाहेगा? ऐसा कहकर पंकज अपना ठेला लिए रवाना हो जाता है, जिसके पीछे से कौशल्या चिंता भरे रुझान से कहती है, अरे ये गरीबी मेरे बेटे के ब्याह में अड़चन बन बैठी है। सोच कर ही मन का चोटने लगता है कि मेरे जाने के बाद ये पहाड़ जैसा जीवन जाने मेरा बेटा कैसे काटेगा। हे उमापति, इस सावन के पावन महीने में मेरे बेटे का भी जोड़ी बंधन लगा देना प्रभु। पंकज ठेला लेकर उबड़ खाबड़ रास्ते से आगे बढ़ते हुए कहता है, ये पहाड़ का रास्ता पार करना एकदम सरहद पार करने जैसा प्रतीत होता है, मगर फिर पेट पालने के लिए मुझ गरीब के पास इसे पार करने के सिवा दूजा कोई चारा भी तो नहीं। एकाएक उसकी नजर सड़क के बीचों बीच से जा रही पांच लड़कियों के ऊपर से जाती है, जो अपनी ही धुनी में बढ़ी जा रही थी। एक ट्रक को आता देख जैसे ही पांचों पीछे की ओर सरकती हैं, तो उनका पांव फिसलने के चलते वो खाई में जा गिरते हुए कहती हैं, अरे कोई मदद करो, हमें बचाओ, अरे कोई बचाओ वरना ये खाई में निकल जाएगी। पंकज आगे बढ़कर एक एक करके उन्हें बाहर निकालता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, दरअसल हम पांचों बहने पहाड़ी बाबा से भेंट करने आए थे। ये शिप्रा, मानवी, साची, धानी और मैं करुणा, तुम्हारा परिचय? मुझ गरीब का नाम पंकज है, साज श्रृंगार का सामान बेचकर गुजारा करने भर कमा लेता हूँ। तुमने हमारी जान बचाई है, चाहो तो हमारे संग बाबा के पास चल सकते हो। वो सभी एक संग बाबा के पास आती हैं, जहाँ अंतर ध्यान हुए बाबा को देख शिप्रा होड़ में आकर कहती है, बाबा देखिए हम अपने संग किसे लेकर आए हैं? जो है उसे आपसी साझेदारी से पांचों बहने आपस में बांट लो। एकाएक बाबा की आंखें खुलती हैं और करुणा कहती है, बाबा आपने ये क्या कह दिया? पुत्री, अब ये मानव ही तुम पांच बहनों का जीवन संगी है, ये मेरी नहीं स्वयं शिव शंभु की स्वेच्छा है। मगर बाबा, मैं गरीब एक साथ पांच पत्नियों का भार कैसे उठा पाऊंगा? आज अगर रास्ता सुकड़ा है तो कल सुनहरा भी होगा। जाओ और अपनी पांचों पत्नियों के साथ नई जीवनी बसाओ। पंकज गांव के मंदिर में बड़े ही साधारण तौर से उन पांचों से ब्याह रचा कर उन्हें घर लेकर आता है। माँ, आज से पांचों आपकी बहू हैं। पंकज, होशो हवास में तो है? पंकज अपनी माँ के सामने सारी वारदात बयान कर देता है और फिर, अरे ये सतयुग का दौर नहीं कलयुग का है। पंकज, इस घनघोर गरीबी के बीच पांच पत्नियों का पेट भर पाएगा तू? ये सुनकर पंकज की पांचों पत्नियां कहती हैं, सासू माँ, हम पांचों बहनों ने आपसी साझेदारी से अपने सिंदूर को बांटा है, हम सौतन बनकर नहीं सहेली बनकर रहेंगी। उनका प्रेम पूर्ण रुझान देखकर कौशल्या के भीतर शांति बढ़ जाती है। शुरुआती दिनों में पंकज और उसकी पांचों पत्नियों का शादीशुदा जीवन चार दिन की चांदनी सा रहता है, मगर कौशल्या के स्वर्गवास के साथ मानो अंधेरा छा जाता है। मैं सामान लेकर दूसरे गांव जा रहा हूँ, सांझ तक लौट आऊंगा। पंकज ठेला लेकर बाजार चल पड़ते हैं, मगर उस दिन सावन उस पे बुरा कहर ढाता है। बरसाती आसमान की ओर निहारते हुए पंकज कहता है, बरसात तो जैसे मुझ गरीब पर बाढ़ के जैसे छा गई है, एक पैसे की कमाई नहीं हुई, जाने आज अपनी पांचों पत्नियों का पेट कैसे भर पाऊंगा। वो निराश मन से घर आता है, जहां उसकी पांचों पत्नियां उसे चिंता में गोता लगाते देख कोई उसे पानी पूछती है तो कोई उसके पांव दबाने में भिड़ जाती है। और मानवी कहती है, सुनो जी, खाना खा लो, सवेरे भी भूखे चले गए थे। मानवी, आज एक पैसे की भी कमाई नहीं हुई, इसलिए ये खाना तुम पांचों खा लो। हम पांचों बहनों ने तो सांझ को ही भर पेट खा लिया था, ये खाना आप खा लो। शिप्रा, अपने पति से मिथ्या का खेल रच रही हो, भोर को ही मैंने राशन टटोल कर देख लिया था, चलो आज हम एक ही थाली में खाएंगे। मानवी चूल्हे पर धरे हांडी के भीतर पड़े खाने के हर एक दाने को थाली में उड़ेल देती है। पंकज अपनी पांचों पत्नियों को बारी बारी से एक एक कौर खिलाता है कि उसकी आंखों से आंसू की धारा जमीन को भिगोने लगती है। एक पति होने का कोई भी हक मैंने बखूबी अदा नहीं किया है, धिक्कार है मेरे बाजू के बल पर जो मैं तुम पांचों को पेट भर खाना भी न खिला सकूं। अजी, हमें आपका क्या दोष, आप तो हम पांचों के खातिर भरसक कोशिश में जुटे पड़े हुए हैं, ये क्या कम है कि इस कठिन घड़ी में हम साथ साथ हैं।
अगले सवेरे पंकज के जाने के बाद पांचों बहनें आपस में बात करती हुई कहती हैं, कल रात हम पांचों ने ही अपने पति को गरीबी से बेबस महसूस होता देखा है। हाँ, उनकी पत्नी होने के नाते हम पांचों का ये फर्ज है कि हम उनके इस कठिन समय में ढाल बने। वैसे सावन का महीना चल रहा है, इस घड़ी बाजार हाट में चूड़ियों की खूब मांग है, क्यों ना हम भी चूड़ी बेचकर अपने पति का हाथ बटाएं? हाँ, इससे हम अपने पति के कंधों पर लदी गरीबी के जुए को आपस में बांट सकेंगी। पांचों अपने पति की गरीबी को मिटाने के खातिर पास पड़े गहने को सुनार से बेचकर अदा किए रकम से चूड़ियां खरीद कर झोली में भरकर अलग अलग गांव में बेचकर सांझ को घर लौटती हुई कहती हैं, सचमुच इस सावन में चूड़ियां बेचने का धंधा एकदम धराधर चल रहा है, पहले ही दिन अच्छी कमाई हुई है। उस रात पंकज के घर लौटने पर पांचों अपने पैसे उसे थमा कर कहती हैं, ये लीजिए। ये पैसे कहाँ से आए? हमने अपने गहने बेचकर चूड़ी बेचने का काम शुरू किया है, ये पैसे उसी की कमाई है। अब इनसे आप एक परचून की दुकान खोल लीजिए ताकि आपकी गरीबी मिट सके। अरे मेरे चलते तुम पांचों को घर से बाहर कदम धरने पड़े, यहाँ तक कि तुम्हें अपने गहने तक बेचने पड़े। हाँ अच्छी, एक पत्नी के लिए सबसे कीमती गहना उसका पति होता है, हम पांचों के खातिर वो बेशकीमती गहना तो आप है। आपको हर एक दिन गरीबी की मार झेलता देख हमारा मन कुड़ता है, एक बार आपका काम जम जाएगा तो ऐसे सैकड़ों गहने आप हमारे खातिर बना देना। पंकज अपनी पत्नियों का खुद के प्रति ऐसा प्यार देखकर कहता है, जहाँ कलयुग के इस जमाने में पति की खातिर उसकी एक पत्नी ही ढा बन जाती है, वहाँ मेरी पांच पत्नी के बीच भी मेरे लिए प्यार की इतनी गहरी छवि देख मेरा दिल बाग बाग हो गया। पंकज अपनी पांचों पत्नियों के दिए पैसे से परचून की एक दुकान खोलता है, धीरे धीरे पूरा गांव उसी के दुकान से सामान खरीदने लगता है, जिसे उसकी गरीबी की रेल पूरी तरह पटरी पर आ जाती है। एक सांच, शिप्रा, मानवी, करुणा, धानी, सांची, जल्दी आओ। पांचों एक साथ अपने पति के पास आकर खड़ी होकर कहती हैं, क्या बात है जी, आपने हम पांचों को एक साथ पुकारा? आज मैं पहली दफा अपनी पांचों पत्नियों के खातिर भेंट लाया हूँ। पांचों एक साथ डिब्बे को खोलती हैं, जिसमें साड़ी और श्रृंगार के सामान के साथ हरी चूड़ियां होती हैं, जिसे देख पांचों के चेहरे खिल उठते हैं। अब जल्दी से इसको पहनकर तैयार हो जाओ, फिर हम सावन का मेला देखने चलेंगे। अपनी पांचों पत्नियों को सावन के रंग में रंगा पंकज झरोखे से निहारते हुए कहता है, मेरी पांचों पत्नियों के बीच कितना स्नेह है, कितने साफ तौर से इन्होंने एक दूजे से सुहाग सिंदूर का बंटवारा कर लिया है। इन पांचों ने अपने पत्नी होने का फर्ज बखूबी अदा किया है, अब मेरी बारी है कि मैं अच्छा पति बनकर इनको सारे सुख दूं। गरीबी के दिन पलटने का सारा श्रेय पंकज अपनी पांचों पत्नी को देता है, आखिरकार पांचों पत्नियों के प्रयास से ही तो उसकी गरीबी की रेखा मिटी थी। अंत में पांचों भी अपने एक पति का प्यार आपस में बांट कर हंसी खुशी रहा करती थी। तीन अत्याचारी बहू की बूढ़ी सास। शारदा के घर बहुतेरी औरतों का जमावाड़ा लगा है, आखिरकार शारदा तीन बहुओं की सास जो बनी है। दुल्हन के लिबास में दहलीज पर खड़ी अपनी तीन बहुओं का स्वागत करते हुए शारदा कहती है, काया, कीर्ति और काम्या, आओ बहु, इस कलश को अपने शुभ कदमों से घर के भीतर उडेल कर गृह प्रवेश करो। तीनों बहु गृह प्रवेश करके सोफे पर चुप्पी साध कर बैठ जाती है, जहाँ गाँव की औरतें बारी बारी दुल्हन का मुँह देखती है और झुमरी शारदा की तीनों बहुओं का बखान करते हुए बोलती है, 100% सच बोला थे शारदा भौजाई, तुम्हारे तीनों बिटवा के भाग्य बड़े बलवान हैं। चांद जैसन चमचमत महेरिया मिल गई है इको, और तोहरा भाग भी बड़ा बलवान है, हीरे जैसन सुंदर बहुरिया से आंगन अंजोर हो गायल तोहर। अरे झुमरी, मेरी बहू की सुंदरता का बखान करके कहीं टोक मत लगा दियो इनको। थोड़ी ही देर में सभी औरतें अपने घरों की ओर चली जाती हैं, जिसके बाद बहुएं उठकर अपने कमरे का रास्ता पकड़ लेती हैं। ये तीनों बहुओं को क्या हो गया, बिना कुछ कहे बोले चली गई, लगता है शादी ब्याह के भाग दौड़ में थक गई हैं बेचारी। शादी की सवेर ही शारदा के तीनों बेटे काम के सिलसिले से शहर चले जाते हैं। हमेशा की तरह शारदा अगले दिन सुबह सवेरे उठ जाती है और घर को निहारते हुए कहती है, तीन बहू के रहते अब तक रसोई घर बेजान बेरंग पड़ा है, शायद तेरी तीनों बहुरानियां उठी नहीं शारदा। एकाएक शारदा की तीनों बहुएं सीढ़ियों से उतरती हुई सोफे पर आ बैठती हैं। शारदा के सामने फरमाइश करते हुए वो कहती हैं, अरे ओ सासुमा, जल्दी से मेरे लिए लिप्टन ग्रीन टी बनाकर लाओ, उसके बाद मुझे जॉगिंग पर जाना है। सासुमा, मेरे लिए ओनली ब्लैक कॉफी बहुत है। मेरे लिए कैपेचिनो ले आना माजी,
अपनी तीनों बहुओं के शहरी स्वर सुनकर भोली भाली शारदा स्तब्ध रह जाती है। अरे अब भूत बनी खड़ी क्यों हो, बहरी हो क्या? सुना नहीं तुम्हारी बहुओं ने तुम्हें कुछ बनाने को बोला है ना? शारदा बिना जवाब दिए रसोई घर का रुख करती है। कुछ ही देर में वो उनकी फरमाइश पूरी करती है। तभी एकाएक तीन बहुएं उसे खूब सारी खरी खोटी सुनाने लगती हैं। आहा थो, अरे ओ गवार बुढ़िया, ये कैसी गंदी कलीच कॉफी बनाई है, यख क्या पचीनों का भी चीनी कम वाला हाल है, ये देहाती होते ही अतरंगी है। बस कर बहू, मैं तुम तीनों को बतौर बिहागर बहू बनाकर इसीलिए नहीं लाई कि मैं अपनी बहुओं की बाई बनकर उनकी जी हुजूरी करूं। बेवकूफ बढ़िया, शायद तू जानती नहीं हमारे चुटकी बजाते ही बहुत कुछ बदल सकता है। या तो चुपचाप अपनी बहुओं की बाई बनकर रहे, या फिर हम तीनों तेरे तीन अनमोल रत्नों को अपने साथ लेकर शहर चली जाएंगी। बस एक फोन कॉल करते ही तेरे तीनों बेटे हमारे लिए भागे भागे चले आएंगे और हम उन्हें ऐसी पट्टी पढ़ाएंगे कि तेरी वो एक नहीं सुनेंगे, फिर सारी जिंदगी मक्खियां मारती रहना। अपनी तीनों बहुओं की बतौर बड़ी साजिश सुनकर बेचारी बूढ़ी सास शारदा हैरतअंगेज हो जाती है और घुटनों पर बैठकर बिलखते हुए बोलती है, अरे नहीं बहू, मुझ बेबस बुढ़िया पर ऐसा गजब न करना, तुम तीनों जो कहोगी मैं वो करूँगी। तो फिर अपने तीनों सपूतों की सौगंध खा कर कहे। मैं अपने बेटों की कसम खाकर कहती हूँ कि ये बात केवल मुझ बुढ़िया और तुम तीनों बहुओं के बीच ही रहेगी। शाबाश। शारदा के मन में बेटों से दूर होने का ख्याल इस कदर बड़ा खौफ बनकर उभर आता है कि वो बेचारी अपनी बहुओं की बाई बन जाती है। ये कहानी है समयपुरा गांव में रहने वाली शारदा की, जिसका सालों से सास बनने का सपना था और उसकी बहुएं उसकी बड़ी सेवा करें, मगर नियति ने तो पासा ही उलट पलट कर दिया और संस्कारी बहुओं की बजाय बदकिस्मती से उसके घर तीन अत्याचारी बहुओं के कदम पड़ गए। समय गुजरता गया। अरे ओ बुढ़िया, हम तीनों बहुएं शॉपिंग करने जा रही हैं। हमारे आने तक अगर घर चकाचक चमकता नहीं दिखा तो तेरी बूढ़ी बेजान चमड़ी को उधेड़ने में हम बहुएं जरा भी नहीं हिचकेंगी। ठीक है बहू। बेचारी बूढ़ी शारदा बहुओं के जाने के बाद काम करते हुए बिलख कर कहती है, ये कैसी बेबसी है, अपने बेटों से दूरी साधने के चलते अपने ही घर में मैं बुढ़िया औरत बतौर बाई बनकर काम करने को मजबूर हो गई हूँ। ऐसी बेपरवाह बहुओं की सास बनना श्राप से बढ़कर है। काश कि मेरे तीनों बेटे यहाँ होते। थोड़ी देर बाद शारदा की तीनों बहुएं शॉपिंग बैग्स के साथ सोफे पर आकर पसर जाती हैं। उफ यार, मेरे पाँव में बहुत तेज पेन हो रहा है। अरे ओ मेरी बुढ़िया, वहाँ दूर क्या बैठ कर रही है, चल यहाँ आकर मेरे पैर दबा। शारदा कीर्ति के पाँव दबाने लगती है। तभी कीर्ति बुरा बेबाक मुंह बनाकर इस कदर शारदा को झड़पती है कि वो कुछ दूर जा गिरती है। आह मेरा हाथ माँ। अरे बंद कर ये बेबुनियादी नौटंकी, खाने को तो 10 जनों की खुराक अकेले खत्म कर जाए, जानबूझकर बेजान बेमन तौर से पाँव दबा रही थी मेरे। बहू मुझ बुढ़िया के बेजान हाथों में तुम्हारे जितना जोर नहीं। ये सुनकर दूसरी बहू बेरहमी से बेचारी बूढ़ी शारदा की बाल पकड़ कर बोलती है, देखो तो जरा पैर दबाने के लिए जान नहीं बुढ़िया में, मगर पटर पटर बोलने के लिए गज भर की जुबान बिना थके चली जा रही है। आ बहू, अपनी बूढ़ी बेबस सास पर तरस खाओ, आ मेरे बाल छोड़ दो। गुजरते समय के साथ बेचारी बूढ़ी शारदा पर तीनों बहुओं की जोर ज्यादा बढ़ती चली जाती है। कभी वो जानबूझकर उसके कामों में नुक्स निकालती, तो कभी सारा दिन उसे खाना पकवाती, तो कभी अपनी सेवा बाड़ी कराती। बेहिसाब कामकाज के चलते बेचारी बूढ़ी शारदा का शरीर साथ छोड़ चुका था। बीमारी के बिस्तर ने उसे अपनी जकड़न में ले लिया। उसी बीच तीनों बहुओं के माता पिता उनके ससुराल आ धमकते हैं। कीर्ति, काया, काम्या, कहाँ हो तीनों, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। शारदा धीमे कदमों से बाहर आकर करहाती हुई कहती है, अरे कौन है भाई, अरे समधी जी आप। अरे समधन जी, आप इतनी कमजोर कैसे हुई और आपका चेहरा क्यों कुमला गया। इससे पहले कि शारदा कुछ बोल पाती वो बेहोश हो जाती है। ब्रज फौरन डॉक्टर को बुलाता है। अरे डॉक्टर साहब, सब गनीमत तो है ना, देखिए इनकी सेहत बिल्कुल स्टेबल नहीं है। इस बढ़ते बुढ़ापे में भूख मार कर बेहिसाब श्रम करने की वजह से इनका शरीर पूर्णतया थक चुका है, इसलिए इन्हें बीमारी ने अपने चपेटे में ले लिया है। उसी पलछिन शारदा बेहोशी से बाहर आकर रोते बिलखते हुए
ब्रिज से सारी वारदात साझा करती है। तभी ब्रिज की तीनों बेटियां वहां दस्तक देती हैं। डैडी आप यहां? मत कहो मुझे अपना डैडी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी बेटियां अपनी सास पर इस कदर कहर ढाएंगी। अरे क्या खोट रह गई थी इस पिता की परवरिश में। जिस सास ने तुम तीनों बहू से अपने बेटे को साझा किया, तुमने उसी सास पर सैकड़ों सितम सताव बरसाए। अरे कुछ नहीं तो अपनी बूढ़ी सास की उम्र का तो लिहाज रखती। पिता की फटकार तीनों बहुओं को बेतहाशा शर्मसार कर देती है। तीनों बहुएं रोते बिलखते हुए शारदा के पाँव में गिरते हुए बोलती हैं, सासू माँ हमने जो किया वो माफी के लायक नहीं है, मगर हो सके तो अपनी बेबाक बहुओं को माफ कर दीजिए। हाँ सासू माँ हमें एक मौका दे दीजिए ताकि हम अपनी भूल को सुधार सकें। माँ जी हम बहुओं ने आपके ऊपर सैकड़ों अत्याचार किए हैं, आप हमको जो भी कहना चाहें दुराचारी अहंकारी कह दीजिए, मगर हमें माफ कर दीजिए वरना पिताजी हम बहुओं से नाता तोड़ देंगे। बस करो बहुओं, मैं तुम्हें ऐसे रोते बिलखते देख नहीं सकती। अरे बहुएं ससुराल की लक्ष्मी होती हैं, वो ससुराल की बहार बनकर आती हैं। तुम्हें दुखी देखकर मेरा कलेजा कचोट रहा है, आओ अपनी सास के गले लग जाओ। शारदा बीती बातों को भुलाकर अपनी बहुओं को माफ कर देती है। उमा की बात सुनकर वे सभी रसोई में जाकर काम करना शुरू कर देती हैं और आपस में बात करने लगती हैं। उमा की बात सुनकर वे सभी रसोई में जाकर काम करना। सास बहू का केलों का बगीचा। अरे बहू कहाँ है तू, तेरी नहीं खुली है क्या अभी तक? अरे मुझे नहीं पता सूरज सिर पर चढ़ाया है, अरे उठ जा कलमुही। अरे माँ जी आप तो सोनी भी नहीं देती हो, अरे थोड़ा तो मेरे बारे में सोच लिया करो, आखिर मैं भी तो किसी की बेटी हूँ। अच्छा तुझे नींद प्यारी है और काम को यहाँ आकर कौन करेगा? तू जानती है ना आजकल गांव में कितने हाथी घूम रहे हैं, अगर एक भी हाथी हमारे किलो के बगीचे में पहुँच गया तो अनर्थ हो जाएगा। अरे हाँ माँ जी ठीक है, मैंने आपको कहा है कि आप चली जाया करो, जल्दी किलो के बगीचे में आप हो आओ। मेरी बात तो आप सुनती नहीं हो, भला अब मैं और क्या करूं? अरे कैसी बहू है मेरी, कितनी आलसी हो तुम, जरा तो सोचो अगर ये केले के बगीचे नहीं होते तो क्या तुम ये सुख की जिंदगी जी पाती कभी? ओहो माँ जी आप पीछा नहीं छोड़ोगी, चलो चलते हैं बगीचे में। ममता की बहू तारा बहुत आलसी थी, उसका किसी भी काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। वो हमेशा काम से बचा करती थी जिसकी वजह से वो अपनी सास से बहुत सुना भी करती थी। दोनों सास बहू अपने केले के बगीचे में जाती हैं और वहां से पके हुए केलों को तोड़कर बाजार में बेचने के लिए निकल जाती हैं। केले ले लो केले, केले ले लो केले, 40 के 12 केले, केले ले लो केले, आओ आओ केले ले लो केले। दोनों सास बहू केले बेचने बाजार में जाती हैं और शाम को सारे केले बेचकर घर को लौटती हैं। ऐसे ही उनकी रोजमर्रा की जिंदगी चल रही थी। एक दिन रात के समय ममता अपने घर में सो रही होती है कि तभी अचानक से उसे अपने केलों के बगीचे से अजीब सी हलचल महसूस होती है, जिसे सुनकर वो अपनी बहू तारा को आवाज लगाने लगती है। तारा तारा कहाँ हो तुम, जल्दी से यहाँ आओ, देखो लगता है केले के बगीचे में कोई घुस आया है। कई बार आवाज लगाने के बाद भी तारा उसकी आवाज नहीं सुनती और वो सोती रहती है, जिसके बाद ममता अकेले ही केले के बगीचे को देखने के लिए चली आती है। अरे पता नहीं कैसी बहू है, मेरी तो आवाज लगाने पर भी एक नहीं सुनती, मुझे ही जाकर देखना होगा कि केले के बगीचे में आखिर कौन घुसाया है। ममता खुद ही जाकर केले के बगीचे में देखने लगती है, लेकिन दूर दूर तक उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। अरे अरे यहाँ पर तो कोई भी नहीं दिख रहा, मुझे लगता है कोई वहम हो गया है, एक काम करती हूँ वापस चली जाती हूँ, बेकार में नींद खराब कर ली मैंने अपनी। ऐसा सोचकर ममता वापस सोने चली जाती है, जिसके बाद अगले दिन जैसे ही सुबह होती है ममता और तारा अपने केले के बगीचे में केले तोड़ने के लिए आती हैं, लेकिन उनके केले का बगीचा पूरी तरह तहस नहस हो चुका था, यहाँ तक कि सारे केले भी गायब थे। ऐसा लग रहा था जैसे मानो केले के बगीचे के अंदर कोई तूफान आ गया हो। ये सब देखकर ममता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हे ऊपर वाले ये सब क्या हो गया, ऐसे हमारा पूरा बगीचा तहस नहस हो गया।
अरे माँ जी, मुझे तो लगता है कि ये किसी दुश्मन ने किया है। अरे हमारे गांव में हमारा कोई दुश्मन नहीं है। हमने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। मेरा कोई भी नहीं बुरा कर सकता। हमारे साथ भला कोई ऐसा क्यों करेगा? माँ जी, लेकिन जब आपने किसी का बुरा सोचा ही नहीं, तो कोई आपके साथ इतना बुरा कैसा कर सकता है? एक काम करते हैं, हम पुलिस कंप्लेंट कर देते हैं, ताकि हमें उस इंसान का पता लगे जिसने ये सब किया है। बेचारी ममता बहुत बुरी तरह रोने लगती है। अरे बहू, ये सब तो ठीक है, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे? हमारे पास रोटी खाने का रोजगार बस यही तो था। अब हम लोग कैसे अपनी घर गृहस्थी संभालेंगे? माँ जी, आप चिंता क्यों करती हो? हम दोनों मिलकर दोबारा से केले की खेती का काम शुरू करेंगे। अरे बहू, कैसे करेंगे? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। बिना पैसों के हम लोग खेती दोबारा शुरू कैसे करेंगे? माँ, हम लोग पैसा उधार ले लेते हैं। लेकिन हमें पैसा कौन देगा? हमारे गांव का एक साहूकार है, वो गांव के लोगों को उनके खेत गिरवी रखने पर पैसा देता है। हम भी अपना खेत गिरवी रख देते हैं। अरे बहू, कहीं वो हमारे खेत हड़प ना ले। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डरने की बात नहीं है माँ जी, वो अच्छा आदमी है, कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता। आप मेरा विश्वास कीजिए। ममता तारा का विश्वास करके अपने गांव के साहूकार के पास जाती है, जिसके बाद वो साहूकार को अपने खेत की जमीन गिरवी रख देती है, जिसके बदले साहूकार उन्हें पैसा दे देता है। उसके बाद वो उस पैसे से केले की खेती शुरू कर देती है। कुछ ही समय में ममता और तारा केले की खेती में काम अच्छे से शुरू कर देती हैं। लगभग कुछ महीने में केले की खेती बनकर तैयार हो जाती है, जिसके बाद अपने केले की खेती से केले तोड़कर उन्हें बाजार में बेचने के लिए जा ही रही होती हैं कि तभी अचानक से साहूकार उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उनसे कहता है, अरे अरे, कहाँ जा रही हो? साहूकार जी, हम लोग अपने केले के खेत से केले ले जाकर बाजार में बेचने जा रहे हैं। अरे अब ये केले का बगीचा तुम्हारा नहीं, मेरा है। मैंने तुम्हें इसकी मुंह मांगी कीमत दे दी और तुमने पेपर पर साइन कर दिया था। अब इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, चाहे तो ये पेपर देख लो। साहूकार जी, हम तो अनपढ़ हैं, हमें क्या पता पेपर में क्या लिखा है। लेकिन ये खेत हमारा है, आप हमारे साथ बेईमानी नहीं कर सकते। तुम्हें क्या लगा मैंने तुम्हें इतना पैसा बेवजह ही दे दिया है? अरे ये तो मेरा पुराना खेल है, मैं लोगों के साथ ऐसा ही करता हूँ। इस बार तुम्हारा नंबर था, मैंने तुम्हारी जमीन भी हड़प ली और तुम्हारा पैसा भी। अब तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो तुम दोनों का वो हाल करूंगा जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। ऐसा मत कीजिए साहूकार जी, हमने बहुत ही मेहनत करके अपने केले के बगीचे को दोबारा से बनाया है। दिन रात एक करके हमने इसके अंदर मेहनत की है, हमारे ऊपर थोड़ा सा रहम कीजिए। मैं किसी पर कोई भी रहम नहीं करता। अब जल्दी से यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मेरे गुंडे तुम्हें कहीं का भी नहीं छोड़ेंगे। तारा ने अपने साथ ममता के साथ मिलकर केले के बगीचे में बहुत ज्यादा मेहनत की थी, जैसे मानो केले के बगीचे से उसकी आत्मा जुड़ी हो। तारा साहूकार के आगे बहुत गिड़गिड़ाती है और रोने लगती है, लेकिन साहूकार उसकी एक नहीं सुनता, जिसके बाद वो अपनी सास ममता से कहती है, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं जानती थी कि ये साहूकार इतना कमीना निकलेगा। मुझे तो इसके बारे में जरा भी भनक नहीं लगी। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी साहूकार अपने गुंडों को इशारा कर देता है, जिसके बाद साहूकार के गुंडे ममता और तारा के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पुलिस पहुंच जाती है और साहूकार के सभी गुंडों को रंगे हाथ पकड़ लेती है, यहाँ तक कि साहूकार के हाथों में हथकड़ी भी लगा देती है। तभी ममता कहती है, तुझे क्या लगा था कि हम दूध पीते बच्चे हैं? अरे मैं तो पहले ही तेरे बारे में सब कुछ जानती थी, लेकिन अगर तुझे ऐसे ही छोड़ देती तो पता नहीं तू और कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद करता। इसीलिए मैंने सही समय आने का इंतजार किया और समय रहते पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। अब जा और जेल की चक्की के अंदर आटा पीस, वही तेरी आगे की जिंदगी काटने वाली जगह है। ममता तुरंत साहूकार और उसके गुंडों को गिरफ्तार करवा देती है, जिसके बाद पुलिस उन्हें अपने साथ ले जाती है और जेल की सलाखों के पीछे भेज देती है।
अब ममता और तारा दोनों अपनी जमीन पर केले की खेती अच्छे से करते हैं और एक साथ खुशी खुशी रहते हैं। सुरैया के बेटे प्रेम की शादी कीर्ति से होती है, जो कि बहुत अकड़ू और घमंडी किस्म की लड़की थी। पर ये बात उसका नया ससुराल कहाँ जानता था, जहाँ उसकी सास सुरैया के साथ उसे बुआ सास कमला और दादी सास रामवती भी मिलने वाली थी। क्या कीर्ति अपनी तीनों सासों का ख्याल रख पाएगी, या कीर्ति के खराब मिजाज उन तीनों सासों पर भारी पड़ जाएंगे, जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। ऐसे गृह प्रवेश के समय सुरैया ने कलश को चौखट पर रखा हुआ था और अपनी बहू से कहती है, बहू अब इस कलश पर धीरे से पैर मारकर कलश को गिराओ और अपने लक्ष्मी के पैर अंदर लाओ। क्या मजाक है मम्मी जी, और ये क्या लोटा रखकर आप सब लोटा पार्टी की तरह खड़ी हुई हैं? जरूरी है क्या लोटे पर पैर मारना? कीर्ति तुम कैसी बातें कर रही हो, अरे इसे लोटा नहीं इसे कलश कहते हैं। हाँ वही वही, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे अंदर आना है। तो आ जाओ बहू। प्रेम ये बुढ़िया सी आंटी कौन है? बहू ये तुम कैसी बातें कर रही हो, ये मेरी सास है और तुम्हारी दादी सास है, तमीज से बात करो। उप्स, सास की सास यानी मेरी दादी सास, वाओ। अगर आप ये सोच रही हैं कि सास बहू कहानियों की बेचारी बहुओं के साथ पांच सास एक बहू वाला मुझ पर जुर्म ढाएगी, तो भूल जाइए, मैं थोड़ी अलग हूँ, देखते जाइए बस आगे। बहू हम बिल्कुल भी वैसे नहीं हैं, अब अंदर आओ। ओ आप कौन? मैं प्रेम की बुआ हूँ। तो तुम्हारी बुआ सास हुई? ओ मेरे पास तीन तीन सास है, वाह मजा आएगा यहाँ तो। माँ माफ करना, ये थोड़े मॉडर्न ख्यालों की है। ये कहते ही कीर्ति कलश में पैर मारकर अंदर आ जाती है। ऐसे ही अगले दिन घर में सब उठ गए थे सिवाय कीर्ति को छोड़कर। तभी उसे जगाने सुरैया आती है। कीर्ति बहू उठ जा, सुबह के 8 बज गए, तुझे अपनी पहली रसोई भी तो करनी है। क्या हुआ मम्मी जी, क्यों सुबह सुबह कौए की तरह मेरे कान पर चीख रही है? मुझे सोने दीजिए और मेरी जगह पहली रसोई आप कर लीजिए। अरे बहू मेरी शादी थोड़ी हुई है, तेरी शादी हुई है, तेरी पहली रस्म है, तुझे आना ही पड़ेगा, उठ जा। ठीक है आ रही हूँ। कुछ देर बाद कीर्ति उठकर नहा धोकर रसोई में पहुँच जाती है और खाना बना देती है। तभी लोग टेबल पर बैठे हुए थे, जैसे ही वो सब खाना खाते हैं तभी दादी सास कहती है, अरे राम मेरे तो दांत में दर्द होने लग गया है, ये हलवे में इतनी चीनी किसने डाली है? दादी सास ये चीनी मैंने डाली है, आपको हजम नहीं होती क्या ज्यादा चीनी? कीर्ति दादी को शुगर है, वो चीनी नहीं खाती हैं। अरे वाह फिर तो इन्हें सब पीका देना चाहिए, कितनी चीनी बच जाएगी हमारे घर की। बस बहू थोड़ा तो लिहाज कर। अरे तुमने दूसरी सब्जी नहीं बनाई क्या बहू? अरे वह तो रसोई में रह गई, मैं अभी लेकर आती हूँ। ऐसा बोलकर वो रसोई में जाती है और सब्जी में बहुत सारी लाल मिर्च डालकर कहती है, बड़ा शौक है ना इन्हें दो दो सब्जी खाने का, अब ये लाल मिर्च अपना कमाल दिखाएगी। ऐसा कहकर वो दूसरी सब्जी सबको परोस देती है और अलग से प्रेम को बिना मिर्च की सब्जी देती है। तभी कमला की वो सब्जी खाते ही उसकी जीभ जल जाती है और वो कहती है, अरे राम 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 मर गई मेरी जीभ गई, आह कोई पानी लाओ। अरे क्या हुआ कमला दीदी, इतना चिल्ला क्यों रही हो, ये लो पानी पियो पहले। तभी कमला पानी पीकर कहती है, इस सब्जी में इतनी मिर्च थी कि मेरी जीभ जल गई, हाय राम बहू तूने इसमें कितनी लाल मिर्च झोंकी है। बुआ सास आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैंने इसमें इतनी मिर्च नहीं डाली, देखिए प्रेम जी भी तो वही सब्जी खा रहे हैं और माँ जी भी वही सब्जी खा रही हैं। आपके शायद छाले हो गए होंगे इसलिए आपको हल्की सी मिर्च भी ज्यादा लग रही है, क्यों है ना माँ जी? हाँ कीर्ति बहू सही कह रही है, मुझे तो कुछ नहीं हुआ जितना आपने आफत मचा दी है। अच्छा क्या चाहती हैं भाभी, मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? अरे अब तुम दोनों लड़ना बंद करो, मजा आ गया इन नंद भाभी में तो मैंने युद्ध छिड़ा दिया। वक्त गुजरता है, कीर्ति की टेढ़ी हरकतें धीरे धीरे उसकी तीनों सासों पर भारी पड़ रही थीं, पर वो कर भी क्या सकती थी, भोली बेचारी जो थी। ऐसे ही एक दिन दादी सास का सिर बहुत फट रहा था, कमला मार्केट गई थी और सुरैया पड़ोस में बैठकर चुगली कर रही थी। तभी शर्मिला कहती है, अरे बहू ओरी बहू, अरे मेरा सर फटा का फटा जा रहा है, जरा मेरी नारियल के तेल से मालिश कर दे तब मैं ठीक भी हो जाऊंगी। अरे दादी सास क्या है आपको चैन नहीं है क्या, कभी ये कर दे कभी वो ला दे,
मेरे हाथों में मेहंदी लगी, मैं नहीं कर सकती। पर कीर्ति बहू, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मेहंदी दोबारा लगा लेना। घर में कोई और है भी नहीं जिससे मैं कह सकूं। आप चाहती हैं कि मैं अपने घंटों में लगाई हुई मेहंदी को धो दूं, तो आप गलत हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। वो दोनों सास तो बाहर घूम रही हैं और मुझे आपके साथ छोड़ दिया। मैं अकेले कितना काम करूंगी। दवाई रखी है आपके ड्रॉर में, खा लीजिए, सर दर्द ठीक हो जाएगा। हे भगवान, घोर कलयुग आ गया। शुक्र है सुरैया ऐसी नहीं थी मेरे समय पर, उसके कर्म फूट गए तुझ जैसी बहू पाकर। आपको जो कहना है कहिए, आई डोंट केयर। बेचारी दादी सास को जितनी कड़वी कीर्ति की बातें लगती हैं, उतनी शायद सिरदर्द की गोली नहीं थी। कीर्ति का अत्याचार नहीं रुकता, वो काम करने के लिए बहुत बहाने लगाया करती थी। तभी शाम के समय तीनों एक साथ उसे आवाज लगाती। बस बहुत हो गया, अभी बर्तन धोकर लेटी ही थी कि तीनों ने एक साथ आवाज लगा दी। अब भला मैं किस किस की सुनूं? ये ऐसे नहीं मानेंगी, मुझे अपना पैर तोड़कर झूठ मूठ का नाटक करना होगा। कीर्ति ये सोचकर स्टूल से गिरती है कि उसे सचमुच में बहुत तेज चोट लग जाती है पैर में, और वो एक्टिंग करके चिल्लाती है, अरे राम रे, मैं तो मर गई मम्मी जी, मुझे बचाइए, दादी सास, बुआ सास, मम्मी जी जल्दी आइए, मेरी कमर और पैर टूट गए, मैं तो सचमुच की फिसल गई। कोई बात नहीं, अब इनसे नौकरों की तरह काम करवाऊंगी अपना। अरे बहू, क्या हुआ तुझे, तू ऐसे कैसे गिर गई, चल तुझे डॉक्टर के पास ले चलते हैं। अरे बहू, आराम से काम करती ना, देख चोट लग गई तुझे। नहीं नहीं दादी सास, मम्मी जी मैं ठीक हूँ, मुझे डॉक्टर के पास नहीं, अगर गई तो छोटी मोटी चोट बताएगा और मुझे इन सब का फिर से काम करना पड़ेगा। एक्टिंग करते करते सच में लुढ़क पड़ी मैं। ठीक है वो, आज हम तुझे अंदर लेकर चलते हैं, आराम कर लियो। जी माँ जी, माँ जी मुझसे तो बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा, अब घर का सारा काम कैसे होगा, मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगी। कोई बात नहीं बहू, हम तीनों घर का मिलकर काम कर लेंगी। ये कहकर उसकी तीनों सास उसे कमरे में ले आती हैं। दो चार दिन बीत जाते हैं, घर का सारा काम उसकी तीनों सास करती हैं और आवाज लगाकर अपने लिए जूस वगैरह भी मंगवाती हैं। ले बहू तेरा जूस। दादी सास, आप मेरा एक काम कर दोगे, वो क्या है ना, प्रेम जी के कपड़े प्रेस नहीं कर पाई मैं, आप कर दोगे? तू फिक्र मत कर, मैं कर दूंगी। इन तीनों से काम करवा कर मुझे कितना मजा आ रहा है, वाह क्या एक्टिंग करी है मैंने। बहुत टाइम हो गया, मैं बेड से उठी ही नहीं हूँ दो दिन से, अब उठ जाती हूँ, मेरे आसपास कोई भी नहीं है। ये कहते ही कीर्ति उठकर खड़े होने की कोशिश करती है तो गिर जाती है। आह, मैं तो गिर गई, इतनी गहरी चोट तो नहीं लगी थी मुझे, दोबारा खड़ी होती हूँ। कीर्ति फिर उठकर खड़े होने की कोशिश करती है पर फिर गिर जाती है, तभी वो रोते हुए चीखती है, माँ जी, माँ जी, दादी सास जल्दी आइए, देखिए ना मैं अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, क्या कभी मैं चल नहीं पाऊंगी। मैंने कहा था कि डॉक्टर के पास चल, हो सकता है तेरे पैरों में कोई हड्डी टूट गई है, चल डॉक्टर के पास चल। कीर्ति को फौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां उसके एक्सरे के बाद पता चलता है कि उसके एक पैर में फ्रैक्चर हो गया है और ठीक होने में महीनों लगेंगे। तब भी रोते हुए कीर्ति कहती है, दादी सास, मम्मी जी, बुआ सास, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ, शायद जो मैंने आपके साथ किया ये उसी का फल मिला है मुझे, मैंने आप सब पर बहुत अत्याचार किया, मैंने आप सबसे काम करवाने के लिए स्टूल से गिरने का नाटक किया, पर सचमुच मुझे चोट लग गई, इतने दिन तक मैंने अपने दर्द को नजरअंदाज किया, पर अब समझ आया कि मेरा पैर ही टूट गया, और आप तीनों ने मेरा कितना ख्याल रखा। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास है, वही बहुत है। हाँ बेटा, तू सुधर गई, और क्या चाहिए, तो जल्दी से ठीक हो जा ताकि हम सब मस्ती कर सकें। इस तरह से कीर्ति की तीनों सास उसका बहुत ख्याल रखती हैं और अब कीर्ति उन सभी के साथ मिलजुल कर रहने लगती है। रामगढ़ के छोटे से गांव में एक ललिता नाम की औरत रहती थी। ललिता बहुत गरीब थी, उसके दो बच्चे थे, एक राधा और एक राजू। उसका पति हमेशा शराब पीकर यहाँ वहाँ पड़ा रहता था। ललिता निरंजना नाम की एक औरत के घर पर काम करके अपना घर चलाया करती थी। एक दिन ललिता अपनी मालकिन निरंजना से कहती है, मालकिन, कल से नवरात्रि शुरू हो रही है, मुझे माँ दुर्गा की नवरात्रि और उनकी पूजा का सामान लेकर आना है, मेरे पास पैसे नहीं है,
थोड़े पैसे एडवांस में दे दीजिए। तुम गरीब लोग चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, दुर्गा माँ तुम्हारे ऊपर कभी मेहरबान नहीं होंगी। तुम हमेशा गरीब के गरीब ही रहोगे, तो फिर क्या फायदा इस तरह ढोंग करके। मालकिन, मैं ढोंग नहीं करती हूँ, मैं दुर्गा माँ को अपने मन धन से मानती हूँ और हर साल उनकी पूजा करती हूँ। उन्होंने मुझे अभी तक जो कुछ भी दिया है, मुझे उतने में खुशी है। अरे हाँ हाँ, तुम्हारी खुशी तुम्हारी गरीबी में दिखती है, तभी तो तुम मेरे घर में आकर झाड़ू पोछा बर्तन साफ सफाई करती हो। खैर अब क्या ही बोलूं, एक काम करना, शाम को जाते वक्त पैसे ले जाना। इतना कहकर निरंजना घर से बाहर निकलती है और अपनी कार में बैठकर चली जाती है। बेचारी ललिता सुबह से शाम तक घर का काम करके अपनी मालकिन निरंजना का इंतजार करने लगती है। हे भगवान, रात के 10 बज गए हैं, लेकिन निरंजना मैडम अभी तक नहीं आई हैं। अब मैं क्या करूं? मेरे दोनों बच्चे भूखे प्यासे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। एक काम करती हूँ, घर चली जाती हूँ। ऐसा सोचकर ललिता रसोई से बचा हुआ खाना पैक करके उसे घर ले जाती है। जैसे ही वो अपने घर पहुंचती है, उसके बच्चे उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं, माँ माँ, आज इतनी देरी क्यों कर दिया आने में? हम दोनों आपका कब से इंतजार कर रहे हैं। माँ, पिताजी आए थे और उन्होंने आपके बचे हुए पैसे निकाल लिए। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? एक तो मालकिन ने भी मुझे पैसे नहीं दिए, ऊपर से तुम्हारे पिता मेरे बचे हुए पैसे भी लेकर गए हैं। कल मेरी माँ दुर्गा का पहला नवरात्रा है और मैं उनकी पूजा कैसे करूंगी? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ललिता को कुछ भी समझ नहीं आता, जिसके बाद वो अपने बच्चों को खाना खिलाकर उन्हें सुला देती है और खुद भी सो जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, वो अपने घर में एक छोटी सी मूर्ति माँ दुर्गा की लाकर पूजा कर लेती है। हे माँ दुर्गा, आज आपका पहला नवरात्रा है, लेकिन मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैंने ये अपने हाथों से प्रसाद बनाया है, आप इसे ग्रहण करिए। ललिता दुर्गा माँ का प्रसाद चढ़ाकर काम करने के लिए निकल जाती है। जैसे ही वो अपनी मालकिन के घर पहुँचती है, उसके मालकिन के घर की सारी चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी होती है। कुछ गमले तो नीचे गिरकर टूट चुके होते हैं। ये सब देखकर ललिता हैरान रह जाती है। हे भगवान, ये सब क्या है? आखिर ये सब किसने किया होगा? और मालकिन कहाँ गई? ललिता देखते ही देखते अपनी मालकिन के कमरे में पहुंच जाती है, जहां उसकी मालकिन बेहोश जमीन पर पड़ी होती है। अरे मालकिन, मालकिन ये आपको क्या हो गया? उठिए ना मालकिन, ये सब किसने किया है मालकिन? निरंजना धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और ललिता से कहती है, अरे मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। रात को ज्यादा शराब पीने की वजह से शायद चक्कर खाकर गिर गई होंगी। जाओ तुम घर की साफ सफाई करो, आज दुर्गा माँ का पहला नवरात्र है, मुझे पूजा करनी है, अभी मैं फ्रेश होने जा रही हूँ। निरंजना फ्रेश होने चली जाती है, जिसके बाद ललिता घर के काम करने लग जाती है। जैसे ही निरंजना फ्रेश होकर आती है, वो सबसे पहले अपने घर के मंदिर में दुर्गा माँ की पूजा करती है, जिसके बाद वो ललिता को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है, मुझे दुर्गा माँ के नवरात्रों के लिए कुछ सामान लेकर आना है। एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हारी वहाँ जरूरत पड़ सकती है। निरंजन अपनी कार निकालती है और अपनी उसमें नौकरानी ललिता को बिठा लेती है, जिसके बाद वो दोनों सामान खरीदने के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ ही दूरी पर चलने के बाद अचानक से एक बहुत बड़े ट्रक से उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो दोनों एक्सीडेंट के दौरान मर जाती हैं। लेकिन मरने के बाद भी उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती और वो चुड़ैल बन जाती है। अरे अरे, ये क्या, हमारा तो एक्सीडेंट हो गया है, इसका मतलब हम लोग मर गए हैं। अब हम माँ दुर्गा की पूजा कैसे करेंगे? हे माँ दुर्गा, ये सब मेरे साथ क्या हो गया? अब मैं अपने बच्चों का ध्यान कैसे रखूंगी? मेरे बिना तो मेरे बच्चे अधूरे हैं, ऊपर से उनका पिता शराब के नशे में यहाँ से वहाँ गिरता पड़ता रहता है, उससे तो अपने बच्चों की देखभाल भी नहीं की जाएगी। एक तरफ ललिता चुड़ैल बनने के बाद भी अपने घर की तरफ निकल पड़ती है, तो दूसरी तरफ उसकी मालकिन निरंजना दुर्गा माँ के मंदिर के लिए निकल जाती है। एक तरफ निरंजना चुड़ैल बनने के बाद भी दुर्गा माँ की पूजा करती है, तो दूसरी तरफ ललिता चुड़ैल बनने के बाद भी अपने बच्चों का ध्यान रखती है और दुर्गा माँ की पूजा भी करती है। माँ माँ, आपको ये क्या हो गया है? आपका शरीर हरा क्यों पड़ गया है? माँ माँ, आपको कुछ हुआ है? आप हमें बता नहीं रही हो, बताओ ना माँ, क्या हुआ है? ललिता अपने दोनों बच्चों को अपनी मौत की दुर्घटना के बारे में बताती है, जिसे सुनकर वो दोनों रोने लगते हैं। तभी ललिता कहती है, चिंता मत करो बच्चों,
मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। मेरे साथ साथ दुर्गा माँ भी तुम्हारे साथ रहेंगे। वो तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होने देंगे। ऐसा कहकर ललिता अपने दोनों बच्चों को गले से लगा लेती है। तभी घर में ललिता का पति प्रमोद आ जाता है। प्रमोद नशे की हालत में धुत होता है। ललिता मरने के बाद प्रमोद को दिखाई नहीं देती। वो अपने बच्चों से कहता है, अरे तुम्हारी माँ अभी तक नहीं आई? हाँ, अरे कब से उसके आने का इंतजार कर रहा हूँ। मेरी शराब की बाटली भी खत्म हो गई। सुन राधा, तेरे पास कुछ पैसे हैं? हाँ, तो मुझे दे दे। पिताजी, माँ अब इस दुनिया में नहीं रही और आप शराब मांग रही हो। क्या कहा, तुम्हारी माँ मर गई? चलो अच्छी बात है, साली मेरे किसी काम नहीं आई। ऐसा कहकर प्रमोद वहाँ से चला जाता है और बेचारी ललिता रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ निरंजना अपनी मौत का बदला लेने के लिए उस ट्रक वाले के घर तक पहुंच जाती है। यही है वह जिसकी वजह से मेरी आज मौत हुई है। आज इसी के कारण मैं अपनी दुर्गा माँ की पूजा भी ठीक से नहीं कर पाई और न उनके लिए सामान ले पाई। अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। निरंजना ट्रक वाले को मार देती है, जिसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, ललिता और निरंजना दोनों दुर्गा माँ की पूजा करने के लिए मंदिर के बाहर पहुँच जाते हैं। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? दुर्गा माँ तुम जैसे कबाड़ियों की नहीं सुनती। सुनेंगी, दुर्गा माँ मेरी भी सुनेंगी। अब हम सभी उनके लिए एक समान हैं। अच्छा तो ये बात है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर करूंगी। देखते हैं दुर्गा माँ किसकी सुनती है। मैं और तुम, हम दोनों दुर्गा माँ की पूजा करेंगे और बदले में उनसे अपनी जान वापस मांगेंगे। तो बताओ, तुम्हें मंजूर है? अगर दुर्गा माँ ने मेरी सुनी तो मैं अपनी जान के बदले अपने बच्चों के लिए खुशी मांगूंगी। उस दिन के बाद से ललिता और निरंजना दोनों दुर्गा माँ के नवरात्रों में उनकी खूब सेवा पानी करती हैं और उनकी अच्छे से पूजा भी करती हैं। आखिरी में जब नवमी का दिन आता है तो दोनों चुड़ैलें दुर्गा माँ के मंदिर के बाहर उनकी पूजा करने लगती हैं। ललिता अपने दोनों हाथों पर जलते हुए कपूर जलाकर उनकी पूजा करती हैं, तो वहीं निरंजना सोने चांदी के बर्तनों में दुर्गा माँ को भोग लगाती हैं। तभी उनके सामने दुर्गा माँ प्रकट होती हैं। देखा, मैंने कहा था ना, दुर्गा माँ सिर्फ मेरी ही सुनती है। अरे तुम जैसे गरीब की कौन सुनेगा। जैसे ही मैंने सोने के बर्तन में दुर्गा माँ को भोग लगाया तो दुर्गा माँ स्वयं यहाँ प्रकट हो गई। इसे कहते हैं असली भक्ति। नहीं निरंजना, तुम गलत हो। भक्ति दिल से की जाती है, ना कि दिखावे से। तुम दिखावे से मेरी पूजा कर रही हो, लेकिन ललिता ने दिल से मेरी पूजा की है। उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसने मुझे भूखा नहीं सोने दिया। और तो और, उसने अपने हाथों की चिंता के बिना ही मेरी आरती उतारी। उसके मन में सच्ची श्रद्धा है। ये सुनकर निरंजना को अपने किए पर अफसोस होता है। सही कहा दुर्गा माँ आपने, बचपन से हमें पैसा और दौलत का दिखावा करना ही सिखाया था, जिसकी वजह से मैं ऐसी हो गई। लेकिन मेरे अंदर आपके लिए बहुत श्रद्धा है। ललिता, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुई हूँ। बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? दुर्गा माँ, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे बच्चों के लिए खुशियाँ चाहिए। दुर्गा माँ के हाथ से एक रोशनी निकलती है जो सीधा ललिता के ऊपर जाकर गिरती है, जिसकी वजह से वो पहले की तरह जिंदा हो जाती है। तुम्हारे बच्चों की खुशी तुम्हारे जीवित रहने में है। अब तुम अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रखना। तभी देवी माँ अपने हाथ की रोशनी से निरंजना को भी जीवित कर देती है और उससे कहती है, मैंने तुम्हें जीवित इसलिए किया ताकि तुमने जो श्रद्धा दिखावे से की है उसे तुम दिल से कर सको। इतना कहकर दुर्गा माँ वहाँ से ओझल हो जाती हैं, जिसके बाद निरंजना गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करना शुरू करती है और दुर्गा माँ को दिल से मानती है। उनकी पूजा करने में वो कभी भी दिखावा नहीं करती, जिसकी वजह से निरंजना और ललिता दोनों अपनी जिंदगी में एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।